Welcome friends, in today's session of Business Regulatory Framework. Currently we are engaged with the first unit of our subject, Sale of Goods Act 1930. Almost two important chapters we have completed related with this act. Today we are going to deal with a new chapter, and from that chapter, the name of the chapter is Transfer of Ownership. What are the rules for transfer of ownership depending on the types of goods? What we are going to discuss is, let us see today's question. Explain rules of transfer of ownership of specific or ascertained goods. So today what we are going to discuss is, when the ownership is transferred from one person to another person, from seller to the buyer, in terms of specific goods, what are its rules? We are going to discuss it in detail, starting from section 18, 19, 20, 21 till 22. So today we are going to cover five sections in this section session. So let's have its introduction first. Now friends, as and when the contract of sale is done, there are three stages in terms in that relation regarding the performance of it. तीन चीजों का समावेश होता है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अगर कोई सेलर और बायर के बीच में ये ट्रांजैक्शन होता है, व्यवहार होता है, तो तीन चीजों की बात होती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो तीन चीजों के ऊपर फोकस होता है. वो तीन चीजें क्या है सर? द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स. या प्रॉपर्टी, या ओनरशिप, या टाइटल, तीन शब्द है एक ही चीज के, तीन मीनिंग है अलग अलग, ध्यान रखिएगा. प्रॉपर्टी में जब ये वर्ड यूज किया जाता है, सब ओनरशिप की बात हो रही है, या टाइटल कह सकते हैं, मालिकी की बात हो रही है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स, दैट इज रिलेटेड विद डिलीवरी ऑफ गुड्स. और जहाँ ओनरशिप और पोजेशन की बात होगी, वहां अंत में आएगा रिस्क. जब ओनरशिप पास हो रही है, साथ साथ में रिस्क भी पास हो रहा है. तो ये तीन चीजें हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, इसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो हम इन तीन चीजों की बात कर रहे हैं. इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द वर्ड प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द ओनरशिप, वो हमने ऊपर अभी देखा. व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, इट इज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स विच इज ट्रांसफर टू द बायर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी व्यवहार हो रहा है, जब भी कोई चीज बेची जा रही है सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ट्रांसफर हो रहा है सर? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है. एज एंड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू द बायर इफ इट इज सेल्स, इफ इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स. एग्रीमेंट टू सेल में हमने क्या पढ़ा है सर? इट विल ट्रांसफर एट सम फ्यूचर टाइम. लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है फ्रॉम सेलर टू द बायर. हम सेल्स पकड़ के ही चलेंगे यहाँ समझने के लिए, ठीक है? तो ओनरशिप जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर. द टर्म प्रॉपर्टी इन द गुड्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स. यहाँ सब क्लैरिफिकेशन कर ही दिया हमने. ओनरशिप अलग चीज हो गई, पोजीशन अलग हो गया, रिस्क अलग हो गया. इन इन तीन चीजों को मिक्स नहीं करना है. मीन्स ओनरशिप और पोजीशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं. ओनरशिप की बात हो रही है मालिकी की, और पोजीशन की बात हो रही है यानी कब्जे की, माल पे कब्जा किसका, ठीक है? तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दोनों अलग अलग टर्म्स है. प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप अलग टर्म है और पोजीशन अलग टर्म है. द पर्सन मे बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बट ही मे नॉट बी द ओनर ऑफ दोज गुड्स. इसकी चर्चा हम टाइप्स ऑफ गुड्स में बार बार कर चुके हैं. कभी कभी होता है पोजीशन हो सकता है बंदे के पास लेकिन ओनरशिप नहीं हो. होता है कभी कभी ऐसे भी, एजेंट के पास पोजीशन हो सकता है माल का लेकिन वो उसका ओनर नहीं होता है. ओनर तो इसका जो ओरिजिनल रियल ओनर है, जिसने ये चीज दी है एजेंट को बेचने के लिए, द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ठीक है? कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कोई डीलर हो सकता है, उन्होंने दी वो एजेंट को माल बेचने के लिए. तो एजेंट के पास पोजीशन हो सकता है लेकिन ओनरशिप नहीं हो सकती माल बेचने की. तो ये सिचुएशनल है सारी चीजें. एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर. एन एजेंट और सर्वेंट और अ बेली मे बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स बट ही इज नॉट द ओनर. ये जो तीनों तीन महानुभव है, एजेंट, सर्वेंट, बेली,
इनके पास माल का कब्जा हो सकता है लेकिन मालिक इनकी नहीं होगी, ऑब्वियस है, बट बिकॉज द रीजन क्या, बिकॉज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट वेस्ट इन हिम, ही इज होल्डिंग द गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल मास्टर और द बेटर। एजेंट किसके लिए गुड्स होल्ड करके रख रहा है? प्रिंसिपल के लिए, अपने मालिक के लिए। ऐसे ही जो सर्वेंट है यानी कि नौकर जो है सर, अपने मालिक के लिए यानी कि मास्टर के लिए होल्ड करके रखता है गुड्स को। इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल मास्टर और ही मे बी द बेलर। तो ये सबके पास पोजिशन है लेकिन ओनरशिप नहीं है, ऐसा हो सकता है। या सिमिलरली वाइस वर्सा यानी उल्टा भी हो सकता है, सिमिलरली अ पर्सन मे बी द ओनर ऑफ द गुड्स बट ही मे नॉट बी इन द पोजिशन ऑफ द गुड्स। ओनरशिप होती है, कभी कभी हमारे पास ओनरशिप है लेकिन हो सकता है वो चीज हमारे पास ना हो। हमारे पास ना हो का मतलब क्या होता है सर? हो सकता है आपने गुड्स सारे के सारे गुड्स किसी थर्ड पार्टी को दे दियो, मीन्स एजेंट को दे दियो बेचने के लिए, आपके पास हो ही ना माल। तो ऐसा भी होता है, गुड्स आपके पास भी हो सकते हैं, आपके पास नहीं भी हो सकते हैं, आपने किसी और को दिए हो बेचने के लिए। तो हो सकता है ओनरशिप आपकी हो लेकिन पोजेशन शायद एजेंट के पास पड़ा हो, थर्ड पार्टी के पास पड़ा हो। दस द ओनरशिप ऑफ द गुड्स मे पास विद और विदाउट द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो एक बात तय हो गई, जैसे ही सेल्स हो रहा है क्या पास होगा? ओनरशिप पास हो जाएगी, ओनरशिप विल ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर। अगर सेल्स होता है तो बेसिक रूल क्या है? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, फिर भले कब्जा मिला हो या ना मिला लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए। यानी आज जो हम चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं ना, वो इसी के ऊपर है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो इन तीन चीजों में से, ओनरशिप, पोजीशन और रिस्क, इन तीन चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओनरशिप है। ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो बाकी दो ऑटोमेटिकली होगी, ऑन द स्पॉट हो सकती है या धीरे धीरे होगी। रिस्क तो ऑन द स्पॉट हो ही जाना है, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क भी ट्रांसफर हो ही गया। पोजीशन शायद तुरंत ट्रांसफर हो या शायद आप दो दिन बाद पोजीशन दे, टाइम मांगा हो, डिपेंड्स कैसे व्यवहार हुआ है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई। तो यहाँ आज हम यही चर्चा करने वाले हैं, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी इसी के ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, जो प्रश्न हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन देखा अभी हमने, अब इसके रूल्स पे आते हैं। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। द रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर कंटेन्ड इन सेक्शन 18-24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दोस्तों सेक्शन याद रहे तो ही लिखना है, बेसिक रूल आप थोड़ा माइंड में रखिए, अगर सेक्शन याद रहते हैं तो ही लिखना है, गलत सेक्शन बिल्कुल नहीं लिखना है। तो हम जो रूल्स पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के, 18 से लेकर 24 तक ओवरऑल रूल्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शंस यूज करने हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वहाँ 18, 19, 20, 21, 22 तक ही सेक्शंस हम यूज करने वाले हैं, बाकी के 23 और 24 जो अगली कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स है उसमें लागू होते हैं। This rules determine the time at which the ownership of the goods is transferred from the seller to the buyer. Timing important है, किस वक्त ownership transfer हो रही है from seller to the buyer, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। Timing important है। Where there is a contract for the sale of unascertain goods, section 18 की चर्चा हो रही है अभी। When there is a contract for the sale of unascertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are asset. Types of goods अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आपको इजिली समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जब भी आप क्वेश्चन पढ़ने बैठे उससे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स आप अच्छे से समझ लें। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या था सर? एग्जिस्टिंग गुड्स में दो प्रकार थे, ascertain एंड unascertain goods. Ascertain goods यानी स्पेसिफिक, जिसको आपने निश्चित कर दिया है कि 10 मोबाइल में से ये वाला मोबाइल मुझे खरीदना है, आपने निश्चित कर दिया। अनसर्टेन गुड्स यानी अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया, 10 मोबाइल आपके सामने पड़ा है लेकिन अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको कौन सा मोबाइल खरीदना है, बस आप देखे जा रहे हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, ऐसी सिचुएशन। सो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, अगर गुड्स को अभी तक आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, आपने फिक्स नहीं किया है कि कौन सी चीज आपने खरीदनी है,
जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसको एसर्टेन नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, निश्चित नहीं करेंगे, तब तक प्रॉपर्टी आपको मिलने से रहेगी. सो अंटिल एंड अनलेस यू एसर्टेन द गुड्स फ्रॉम अनएसर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर. ये सिंपल सा रूल है. जब तक अनिश्चित माल को निश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगी. सिंपल सा रूल है. ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आप चीज को स्पेसिफिक करेंगे, निश्चित करेंगे कि भाई 10 में से आपने कौन सा मोबाइल लेना है. सो फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू द बायर, द गुड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, थ्री कैटेगरीज. अब टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ओनरशिप डिपेंड करता है कि किस प्रकार का माल है. व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गुड्स, तो सबके अलग अलग रूल्स है. स्पेसिफिक गुड्स के अलग अलग रूल्स है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं. अनएसर्टेन या जेनेरिक या अनस्पेसिफिक गुड्स के रूल्स अलग होंगे. और अंत में आएगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस. अगर ये तीन सिचुएशन में से जो भी सिचुएशन आपसे पूछी गई, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं सिर्फ एक प्रकार के गुड्स के रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की हम चर्चा करने वाले हैं. स्पेसिफिक गुड्स के रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू द बायर की आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं. अगले सेशन में हम ये दूसरा और तीसरा पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन स्पेसिफिक गुड्स रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो अब हम आते हैं आज के हमारे मेन पॉइंट पे. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक और वी कैन से एसर्टेन गुड्स. इसके लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिक गुड्स क्या है, जिसकी चर्चा हम टाइप्स ऑफ गुड्स में कर चुके हैं. जब तक आपको टर्म्स पता नहीं होंगे आप लिख नहीं पाएंगे अच्छे से दोस्तों, तो टर्म्स आप अच्छे से समझ लीजिए. स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसी वक्त आपने गुड्स स्पेसिफाई कर देना है, फिक्स कर देना है, निश्चित कर देना है कि आपको एग्जैक्टली खरीदना क्या है. तो जो भी खरीदना है आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए. आपने उसका सिलेक्शन कर देना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्शन कर देना है और उसी के ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फाइनल कर देना है. तो उसे हम स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे. जब तक आप स्पेसिफिक गुड्स फाइनल नहीं करेंगे, गुड्स आर नॉट फाइनलाइज, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं करेंगे, तब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इम्पॉसिबल है. सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर. दोनों का इरादा होना चाहिए व्यवहार करने का. बायर ने सिलेक्शन करना चाहिए कि उसे एग्जैक्टली क्या खरीदना है और सेलर भी रेडी होना चाहिए ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए और पोजीशन देने के लिए. ये तैयारी दोनों तरफ से दिखनी चाहिए, इंटेंशन दिखना चाहिए दोनों पक्षकारों का. इट फर्दर ये सेक्शन 19 और 1 की क्लियरिटी के पार्टीज मस्ट बी इंटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ मस्ट बी रेडी टू मेक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड हैव द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. It further provides that of section 19 subsection 2 की बात कर रहे हैं. It further provides that for the purpose of ascertaining the intention of the parties. अब हम इरादा कैसे मेजर करेंगे कि दोनों पक्षकारों का इरादा है कॉन्ट्रैक्ट करने का, दोनों चाहते हैं कि व्यवहार हो, ये हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे. So the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstances of the cases, ये तीन parameters है, factors है जिसके basis पे हम ये final कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों party का इरादा है व्यवहार करने का, transaction करने का. हवा में बातें नहीं कर रहे हैं दोनों, दोनों चाहते हैं कि व्यवहार हो, transaction हो, selling और buying हो. तो हम terms of the contract देखेंगे, दोनों पक्षकारों का व्यवहार देखेंगे और हर एक केस के जो संजोग होंगे, सिचुएशन होंगी, सर्कमस्टेंसेस होगी, उसको देख के हम कह सकते हैं कि भाई इरादा है दोनों पक्षकारों का व्यवहार करने का, वहां से पता चलेगा. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई क्लू ही नहीं होता है जिससे हम फाइनलाइज नहीं कर पाए एग्जैक्टली इनका इंटेंशन है, दोनों पक्षकारों का इंटेंशन है या नहीं है व्यवहार करने का.
तो अब ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, क्या सच में इनका इरादा है व्यवहार करने का या नहीं। सो फॉर नोइंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे इस चैप्टर के अंदर, टाइम एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। इन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू द बायर, द फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। अब हम जो इसके मेन तीन रूल है सेक्शन 20, 21, 22 उसकी चर्चा पे आ रहे हैं कि एग्जैक्टली हम कब मानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुकी है रिलेटेड विद स्पेसिफिक गुड्स। दोस्तों आज अब जो हम चर्चा कर रहे हैं सर, स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप कब एग्जैक्टली ट्रांसफर होती है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बायर कब ओनर बनेगा स्पेसिफिक गुड्स का, तो इसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ। स्पेसिफिक पहला रूल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रूल है सेक्शन 20 का, ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरी एबल स्टेट, जो निश्चित माल है वो डिलीवरी एबल स्टेट में होना जरूरी है। मींस वो रेडी होना चाहिए, जिसकी डिलीवरी आप तुरंत दे सके वैसी पोजीशन में, वैसी स्टेट में वो होना चाहिए। चलिए देखते हैं सेक्शन 20 क्या कह रहा है। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द गुड्स आर इन अ डिलीवरी एबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इट इज इमटीरियल वेदर द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्राइस और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन। तीन शर्तें हैं जो आपको यहाँ फुलफिल करनी है। पहली, तीन पॉइंट है जो आपको माइंड में रखने, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं बेसिकली, कि एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, और यहाँ बेचा क्या जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स शुड बी स्पेसिफिक, आप डिसाइड कर किया होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली खरीदना क्या है, और सेलर के पास ये चीज डिलीवरीबल स्टेट में होनी चाहिए, सेलर के पास वो चीज होनी चाहिए और जैसे ही बायर मांग रहा है आप रेडी होने चाहिए उसको देने के लिए। हाँ रेडी है, पैकिंग भी रेडी है, दे दूँ आपको, कितने दे दूँ बोलो, ऐसे रेडीनेस होनी चाहिए उसकी माल देने के लिए। अगर ये तीन चीजें फॉलो हो जाती है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कोई कंडीशन नहीं होगी, स्पेसिफिक गुड्स होंगे और माल तैयार होगा देने के लिए, उसकी डिलीवरी पॉसिबल है, अगर ये तीन सिचुएशन रेडी है तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, ओनरशिप, द ओनरशिप इन द गुड्स पासस टू द बायर, कब पास हो जाएगी ओनरशिप, बायर को कब मिल जाएगी, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये तीन चीजें अगर फॉलो हो रही है, अनकंडीशनल है, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरीएबल स्टेट, ये तीन चीजें फॉलो हो रही है, उसी वक्त बायर को ओनरशिप मिल गई है, उसी वक्त, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज इमटीरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पॉसिबल, शायद आपने पेमेंट कर दिया हो या नहीं किया हो, इमटीरियल है, चलेगा, इमटीरियल का मतलब चलेगा, हो सकता है आपको माल का कब्जा मिल गया हो या नहीं मिला हो वो भी चलेगा, ये दोनों बाद में दिया जा सकता है, इट कैन बी पोस्टपोन। सो द एनालिसिस ऑफ दिस सेक्शन रिवील्स दैट द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कंडीशंस हमने ऑलरेडी देख ली, वापस रिपीट होगी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में रख दिया है, ये तीन शर्तें अगर पूरी होती है तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू द बायर, जैसे ये तीन शर्त पूरी होती है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पक्षकारों के बीच में, उसी वक्त हम कह सकते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। पहली कंडीशन वही है, द सेल मस्ट बी ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी अनकंडीशनल एंड द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरीएबल स्टेट। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिलीवरीएबल स्टेट क्या है, क्योंकि डिलीवरीएबल स्टेट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे की चर्चा व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा है, डिलीवरीएबल स्टेट, व्हाट इज डिलीवरीएबल स्टेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन डिलीवरीएबल स्टेट, तो आप सेक्शन वाइज लिख सकते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 डिलीवरीएबल स्टेट की कहानी कह रहा है, मीनिंग समझा रहा है इसका, इसकी डेफिनेशन दी गई है, गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरीएबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम, यानी बायर रेडी हो जाए, जो भी आप चीज की डिलीवरी दे रहे हैं, बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, सेलर रेडी होना चाहिए माल देने के लिए और बायर उस चीज को उठा के ले जा सके, अपने साथ लेके जा सके, उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में होनी चाहिए, उसका पैकिंग वगैरह सब
सही तरीके से रेडी होना चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स दैट द गुड्स आर इन सच अ सच अ कंडीशन दैट द बायर कैन टेक अवे द गुड्स देन एंड देयर. अगर आप कोई गेहूं खरीदने गए, मान लीजिए गेहूं, तो गेहूं क्या आपको हाथ में उठा के दिए जाएंगे? नहीं सर, वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है. तो उसका अच्छे से पैकिंग किया हुआ होना चाहिए ना, ठीक है. जैसे मान लीजिए 25 केजी का पैकिंग हो, 50 केजी का पैकिंग हो, या स्मॉल 5-5 केजी के पैकिंग हो, यानी किस तरीके का पैकिंग अगर आपको करके दिया जाए तो वो डिलीवरेबल स्टेट पे है. ऐसे हाथ में थप्पी बना बना के थोड़ी ना दे देंगे. तो वो अगर इस तरीके से डिलीवरी दे रहे हैं तो बायर इज नॉट बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ सच गुड्स. उसका अच्छे से पैकिंग वगैरह करके आपको दिया हो तो ही आपको वो चीज आप लेके जा सकते हैं ना, नहीं तो कैसे लेके जाएंगे. तो दैट इज ऑल अबाउट डिलीवरेबल स्टेट इन सिंपल वर्ड्स टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल इस जो जो पहला रूल है सेक्शन 20 जो भी हमने देखा, व्हेन द स्पेसिफिक गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, उसके ऊपर एक उदाहरण देखते हैं. अशोक सिलेक्ट सम बुक्स फ्रॉम किशोर्स बुक शॉप एंड एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड द बुक्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अशोक्स हाउस ऑन द फॉलोइंग डे. अब यहाँ जो है एक बुक कुछ बुक्स खरीदने का व्यवहार हो रहा है. अशोक जो है कुछ बुक सिलेक्ट करता है किशोर की बुक शॉप से, यानी अशोक जो है वो बायर है और किशोर जो है सेलर है, बुक शॉप का ओनर है. अब कुछ सिलेक्शन की जा रही है और सिलेक्शन करने के बाद एग्री क्या किया जा रहा है, एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को मैं आपको पैसे दूंगा. प्राइस इज इमटेरियल, हमने आगे पढ़ाया, ठीक है पैसे तो आप कभी भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, चलता है. द बुक्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अशोक्स हाउस ऑन द फॉलोइंग डे. बुक्स की डिलीवरी अगले ही दिन दे देनी है किशोर ने. पैसे अगले महीने की पहली तारीख को मिलेगी लेकिन बुक्स की डिलीवरी अगले ही दिन दे देनी है, ऐसी बात हुई थी. एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंटल फायर इन द शॉप द बुक्स सिलेक्टेड बाय अशोक वर डिस्ट्रॉयड. अशोक शैल बी लायबल टू पे द प्राइस एज द प्रॉपर्टी इन द गुड बुक्स हैज पास्ड फ्रॉम किशोर टू अशोक ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब अचानक से आग लग गई शॉप में, सारी बुक्स जल के खाक हो गई. अशोक की बुक्स जो अशोक ने सिलेक्ट की थी वो भी जल गई और किशोर की तो पूरी शॉप जल गई. अब जो अशोक ने बुक्स सिलेक्ट की थी, पोजेशन उसे नहीं मिला है, माल उसके पास, माल उसको मिला नहीं, गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड टू अशोक, तो नुकसान कौन सहन करेगा, प्रश्न ये बनता है. तो मैंने आपको पहले ही बोला है जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क. अशोक ने अगर कोई बुक्स सिलेक्ट की है, अलग से रखवा दिए साइड पे, मींस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीजिएटली फ्रॉम सेलर टू द बायर. फिर प्राइस पे करना बाकी हो इमटेरियल है, पोजेशन नहीं मिला हो इमटेरियल है, ध्यान रखिएगा. वेदर द प्राइस इज पेड और नॉट, वेदर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन गिवन और नॉट, इट इज इमटेरियल. लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में अगर इस तरीके का व्यवहार हो गया है तो ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफर हो गई है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अशोक यहाँ पे लायबल होगा, अशोक शैल बी लायबल टू पे द प्राइस एज द प्रॉपर्टी इन द बुक्स हैज पास्ड फ्रॉम किशोर टू अशोक ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दिस केस नाइदर द प्राइस हैज बीन पेड, मैंने आपको पहले ही कहा ना ही प्राइस पे की गई है, प्राइस तो अगले महीने देने की बात हुई थी, नॉट द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, ना ही माल दिया गया, पोजेशन नहीं मिला. इवन देन द ओनरशिप हैज पास्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है. लेकिन जैसे ही आपने बुक्स फाइनल कर दी है सर, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. सो दस इफ एनी ऑफ द कंडीशन स्टेटेड इन सेक्शन 20 इज नॉट फुलफिल्ड, वो तीन शर्तें हमने जो देखी थी, कौन सी तीन शर्तें, स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और तीसरा क्या था, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए. ये तीनों तीन शर्तें अगर पूरी नहीं होती है इस पर सेक्शन 20, द ओनरशिप इन द गुड्स शैल नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो गुड्स स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसे सम बुक्स सिलेक्शन किया तो गुड्स स्पेसिफिक हो गए. किशोर की शॉप पे 1000 बुक्स है, उसमें से आपने मान लीजिए 5 बुक्स सिलेक्ट किए तो आपके वो चीज स्पेसिफिक हो गई, हाँ सर हो गई, ठीक है. उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन यानी कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, दोनों एग्री करते हैं तो ठीक है, पेमेंट वो नेक्स्ट मंथ देने की बात कर रहा है और दोनों एग्री करते हैं तो ये कोई कंडीशन नहीं है.
चलिए फिर तीसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन क्या थी सर? डिलीवरेबल स्टेट। हाँ बुक्स वेयर रेडी, बुक्स तो रेडी थे, आप चाहे तो अपने साथ लेके जा सकते थे, आपने ली क्यों नहीं डिलीवरी? आप कह रहे हो अगले दिन मेरे घर पे भिजवा देना, और मीनवाइल हादसा हो गया जो अनकंट्रोलेबल इवेंट था, किशोर उसमें कुछ नहीं कर पाया, तब क्या किया जाए सर? तो जो नुकसान हुआ है वो बायर को भुगतना पड़ेगा इस सिचुएशन। द लॉस विल बी बेयर इन सच केसेस वेयर द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड द ओनर इज बायर एंड बायर हैज टू बेयर द लॉस। दूसरे रूल पे चलते हैं, सेक्शन 20 कंप्लीट हुआ, सेक्शन 21 पे आते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरीएबल स्टेट। पहला क्या था? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरीएबल स्टेट। अब बीच में नोट आ गई है, तो आपने गुड्स तो स्पेसिफिक कर दिए लेकिन ये डिलीवरीएबल स्टेट में नहीं है। तो जब डिलीवरीएबल स्टेट में नहीं, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट रेडी फॉर डिलीवरी। सेलर के पास माल है लेकिन माल पे कुछ काम करना बाकी रह गया है। कुछ काम करना बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया है सर? शायद कटिंग करना बाकी रह गया हो, कटिंग करना बाकी रह गया हो, कुछ पैकिंग करना बाकी रह गया हो, सीलिंग करना, लोडिंग करना, फिलिंग करना, फिलिंग देम इन अ कंटेनर, ये बाकी रह गया हो। ठीक है, द सेलर हैज टू डू समथिंग टू द गुड्स टू पुट देम इन अ डिलीवरीएबल स्टेट। यानी ये डिलीवरीएबल स्टेट में नहीं है, इसको डिलीवरीएबल स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कब होगा? जब अगर मान लीजिए आप क्लोथ बेचने की बात करें तो उसका कटिंग करना पड़ेगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, कितना मीटर कपड़ा चाहिए बताइए। पैकिंग करने की बात हो सकती है, 1 किलो का पैकिंग हो, 2 किलो का हो, डिपेंड्स। तो कुछ ना कुछ काम करना बाकी रह गया, वो काम कंप्लीट होगा तो हम कह सकते हैं कि नाउ द गुड्स आर इन डिलीवरीबल स्टेट। तो सेक्शन 21 की डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं, इसका जो प्रोविजन है, इसका जो रूल है वो समझते हैं। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। यहाँ पे भी गुड्स कैसे होंगे? स्पेसिफिक गुड्स होंगे, ये पहली शर्त है। एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, ये दूसरी शर्त है। सेलर ने कुछ करना है, कुछ करना बाकी रह गया है, जब तक वो काम पूरा नहीं करेगा टू द गुड्स, मीन्स द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इन टू अ डिलीवरी बस्ट। यानी सेलर ने कुछ ना कुछ करना है उस चीज के ऊपर, गुड्स के ऊपर, जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक वो डिलीवरीबल स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, दे आर अनडिलीवरीबल स्टेट। उसको डिलीवरीबल स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा, शायद कटिंग करना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, तब तक वो चीज डिलीवरीबल स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयर। तो यहाँ पे किन चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज, द गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक गुड्स, द सेल ऑफ गुड्स मस्ट बी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा क्या आएगा सर? सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू पुट द गुड्स इन टू डिलीवरीबल स्टेट, दूसरी शर्त ही होगी। कुछ कार्य करना बाकी है सेलर का, जब तक वो कार्य नहीं करेगा तब तक गुड्स डिलीवरीबल स्टेट में नहीं होंगे, रेडी फॉर डिलीवरी नहीं होंगे। तीसरा, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस। जैसे ही आपने अनडिलीवरीबल स्टेट में से डिलीवरीबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए किसी चीज का पैकिंग करना बाकी रह गया था, जैसे ही आपने पैकिंग कर ली तो एज अ सेलर आपकी ड्यूटी बनती है दैट यू मस्ट इन्फॉर्म बायर। बायर को आपने नोटिस देनी है कि भाई आपका माल तैयार है, बोलिए आप लेके जा रहे हैं कि मैं भिजवाऊं। जैसे ही आपने नोटिस दे दी उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। When the goods are converted into deliverable state, when the goods are ready for delivery, उसी वक्त ownership transfer होगी, जैसे ही आपने buyer को notice दे दी कि भाई आपका माल तैयार है, बोलिए आप लेके जा रहे हैं कि मैं भिजवाऊं। जैसे ही आपने notice दे दी सर, ownership उसी वक्त, timing उसी वक्त ownership transfer होगी। So according to this rule, the property in goods will not pass to the buyer unless something is done in order to put the them into a deliverable state and the notice is given to the buyer. Example देखते हैं, एक लैंडमार्क केस है, इसके ऊपर भी थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। सो इन द केस ऑफ रुग वर्सेस मिनट, 1809 का केस है, द होल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ टैंक ऑफ ऑयल वेर सोल्ड।
एंड द सेलर हैड टू पुट द ऑयल इन द ड्रम्स टू डिलीवर इट टू द बायर. एक पूरा सा टैंक, यानी मान लीजिए एक टैंक है, टैंक के अंदर ऑयल है, टैंक यानी बहुत बड़ी टैंक होती है, हजारों लीटर हो सकते हैं उसके अंदर. तो वो टैंक के अंदर क्या था सर, ऑयल था, और वो ऑयल बेचने की बात हो रही थी, लेकिन ऑयल को टैंक में से ड्रम में कन्वर्ट करना. सो द सेलर हैड टू पुट द ऑयल इन ड्रम्स टू डिलीवर इट टू द बायर. तो कुछ काम करना बाकी रह गया. सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू पुट द गुड्स इन टू डिलीवरीएबल स्टेट. गुड्स है, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, ऑयल फिक्स हो गया है, कौन सा ऑयल चाहिए, इस टैंक में जो ऑयल है वो खरीदना है, लेकिन टैंक तो हजारों लीटर की है, लेके कैसे जाएंगे, इसलिए उसको क्या किया जा रहा है, टैंक में से ड्रम में फिल किया जा रहा है. सो ये डिलीवरीएबल स्टेट में नहीं है, गुड्स आर नॉट इन डिलीवरीएबल स्टेट, क्योंकि इसमें फिलिंग करना बाकी है. तो जब तक इसका फिलिंग नहीं होगा तब तक ये डिलीवरीएबल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुए. द सेलर फील्ड सम ड्रम्स इन द प्रेजेंस ऑफ द बायर, बट बिफोर द रिमाइंडर कुड बी फील्ड अ फायर ब्रोक आउट एंड द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑयल वॉज डिस्ट्रॉयड. फीलिंग चालू था, सेलर की तरफ से फीलिंग का काम चालू था, और बायर भी वहीं खड़े थे. इन द प्रेजेंस ऑफ द बायर फीलिंग का काम चालू था, लेकिन जैसे ही सारे के सारे ड्रम्स फील हो, उससे पहले आग लग गई, और जितना भी ऑयल था, द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑयल वॉज डिस्ट्रॉयड. यानी ऑयल जो था वो अब नहीं रहा. ऑयल इज डिस्ट्रॉयड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स इज डिस्ट्रॉयड ओवर हियर. इट वॉज हेल्ड दैट द बायर मस्ट बेयर. अब नुकसान कौन भुगतेगा, प्रश्न यही आके खड़ा हो जाता है कि यहाँ तो दोनों खड़े थे, दोनों की प्रेजेंस में काम चालू था, और नुकसान हो गया, पूरा का पूरा ऑयल गया. हु विल बेयर द लॉस, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसा हादसा ये केस के अंदर हुआ. द इवेंट अकर्ड इन दिस केस, इट वॉज हेल्ड दैट द बायर मस्ट बेयर द लॉस ऑफ द ऑयल विच वॉज पुट इन टू द ड्रम्स. देखिए किस तरीके से लॉस बेयर, जो लॉस हुआ किस कैसे किसे बेयर करना पड़ा, कौन भुगतेगा. तो बायर क्या लॉस बेयर करेगा, जितने ड्रम्स में ऑयल फील हो गया था वो लॉस किसका, बायर का, और जो रिमाइंडर था यानी जिसमें ऑयल फील करना बाकी रह गया था उसका लॉस कौन बेयर करेगा, सेलर. द सेलर विल बेयर द लॉस ऑफ द रिमाइंडर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो गुड्स रेडी हो गए थे, डिलीवरीएबल स्टेट में कन्वर्ट हो गए थे, जो ड्रम्स फील हो गए थे, उसका लॉस ओनरशिप जो है वो बायर को मिल गई ऐसा मान लिया जाएगा, और बायर उसका नुकसान भुगतेगा. एज एंड व्हेन द गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू डिलीवरीएबल स्टेट, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर. तो वो नुकसान कौन भुगतेगा, बायर भुगतेगा, और जो जिसमें फील करना बाकी रह गया वो लॉस कौन बेयर करेगा, सेलर. द रीजन बीइंग दैट द ऑयल दैट वाज पुट इन अ डिलीवरीएबल स्टेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर. ये मैंने अभी आपको बताया, ओनरशिप बायर की होगी, ट्रांसफर होगी, तो नुकसान भी उसका, रिस्क भी उसका. इट शुड नॉट नोटेड दैट हियर द ओनरशिप डिड नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. सेक्शन 20 में ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया है. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, क्योंकि सेलर ने कुछ करना बाकी रह गया था. क्या करना बाकी रह गया था, फीलिंग करना बाकी रह गया था. जब तक फीलिंग नहीं होगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. गुड्स आर नॉट इन डिलीवरीबल स्टेट, सेक्शन 20 में डिलीवरीबल स्टेट में थे. ये बेसिक चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है. सो द ओनरशिप डिड नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट पास्ड ओनली व्हेन द गुड्स वेर पुट इन टू अ डिलीवरीबल स्टेट. और बायर को इसकी सूचना दी गई हो, भाई आपका माल तैयार है, बोलिए भेज दूँ. सूचना भी देनी है बायर, इस केस में तो बायर सामने ही खड़ा है, तो उसको तो सूचना भी मिल गई है. तो ये सारी शर्तें यहाँ फुलफिल हो रही है, इसलिए जो गुड्स कंटेनर में फिलअप कर दिए गए थे उसका नुकसान बायर को बेयर करना पड़ा इस केस के. आखिरी नियम पे चलते हैं, सेक्शन 22 पे आते हैं. और सेक्शन 22 के हिसाब से इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है प्राइस. स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरीबल स्टेट, यहाँ पे भी गुड्स डिलीवरीबल स्टेट में है, यानी आप बोलोगे तो आपको माल अभी दे दिया जाएगा. लेकिन डिलीवरीबल स्टेट के आगे एक स्टेप और आ जाता है, व्हेन द सेलर हैज टू डू समथिंग टू फाइनलाइज द प्राइस, टू एसर्टेन द प्राइस.
यहाँ गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन प्राइस अभी फिक्स करना बाकी है। जब तक प्राइस फिक्स नहीं होगा सर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। प्राइस फिक्स होने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ये बेसिक बात बन गई इसके अंदर। सो समटाइम्स द गुड्स मे बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग द प्राइस। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ही है लेकिन कुछ करना अभी भी बाकी है इसके अंदर। वो कुछ जो करना है यहाँ पे प्राइस फिक्स करने के लिए कुछ करना बाकी रह गया है। सेक्शन 21 में भी कुछ करना बाकी रह गया था लेकिन वो कुछ क्या था? यू आर सपोज टू कन्वर्ट द गुड्स फ्रॉम अनडिलीवरेबल स्टेट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। वहां तो माल तैयार ही नहीं था, वहां माल तैयार करना पड़ा था। यहाँ माल तैयार है, डिलीवरेबल स्टेट में है, आप बोलो तो अभी दे दूं लेकिन प्राइस फिक्स करना बाकी। यहाँ प्राइस फिक्स कैसे होगा सर? जब तक आप टोटल क्वांटिटी का उसके अंदर जो वैल्यूएशन करना है, जब तक वैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक उसकी प्राइस फिक्स नहीं होगी। इन सच अ केस द प्रॉपर्टी इन गुड शैल नॉट पास टू द बायर अनलेस द सेलर हैज डन दैट थिंग फॉर एसर्टेनिंग द प्राइस। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब सेलर इसकी प्राइस फाइनल करे। तो जब तक सेलर प्राइस फाइनल नहीं करेगा यहाँ पे तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। अब ऐसा तो क्या करना होगा सेलर ने प्राइस फाइनल करने के लिए? तो सेक्शन 22 में इसकी क्लैरिटी दी गई है कि कौन सी एक्टिविटी करेगा सेलर तो जहाँ पे प्राइस फाइनल होगी। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगेन यहाँ पे कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं हम? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरीएबल स्टेट। माल जब बोलोगे तब मिल जाएगा, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। बट द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग, यहाँ पे भी सेलर को कुछ करना है। और कुछ क्या करना है? प्राइस फाइनल करने के लिए कुछ करना है। वेट करना पड़े, वेट यानी कितने किलो है वो किलो किलोग्राम नहीं पता है भाई, 50 किलो है, 100 किलो है, 500 किलो है, 1000 किलो है, वो वेट करना बाकी है। मेजरमेंट करना बाकी हो सकता है कितने मीटर कपड़ा है पता ना हो। तो जब तक मैं मेजरमेंट नहीं करूँगा, मान लीजिए आप एक क्लोथ की शॉप में गए और आपने कहा कि ये जो पर्टिकुलर सामने क्लोथ का ये जो बंच पड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा मुझे चाहिए, तो कहेगा ये तो मुझे मेजर करना पड़ेगा कितना मीटर है मुझे भी नहीं मालूम है। तो जब तक आप वो क्लोथ मेजर नहीं करोगे तब तक आप उसकी फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? पर मीटर डिसाइड किया होगा भाई, 100 रुपीज पर मीटर है इसका प्राइस, ये पता है हमको। लेकिन मान लीजिए उसके अंदर कितने मीटर है हमें पता नहीं है, तो हमें मेजर करना पड़ेगा ना, उसको मापना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए मेजर किया और पता चला 55 मीटर है, 55 मीटर है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 100, 5500 आपने ये प्राइस सेलर ने फिक्स की, 5500 जैसे ही ये प्राइस फिक्स की गई मेजरमेंट करने के बाद, उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू द बायर। बायर को जैसे ही इसकी सूचना मिले, नोटिस मिले, उसी वक्त उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब तक मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, टेस्ट नहीं किया जाएगा, वेट नहीं किया जाएगा, तब तक ओनरशिप नहीं मिल सकती। मेजरमेंट करने के बाद भी फाइनल प्राइस बतानी है सेलर ने बायर को, और जैसे ही आप ये फाइनल प्राइस बायर को बताते हैं, बायर एग्री करता है, देन एट दैट टाइम द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। और इसके ऊपर एक उदाहरण ले लेते हैं, आखिरी उदाहरण आज का। For example, Lakshmi sells to Mahalakshmi a heap of wheat at the rate of rupees 2000 per quintal. लक्ष्मी जो है महालक्ष्मी को जितना भी गेहूं, गेहूं की थप्पी पड़ी हुई है, पहाड़ खड़ा हुआ है यूं समझ लीजिए, गेहूं का पैकिंग नहीं किया हुआ है यूं समझ लीजिए, थप्पी पड़ी हुई है पूरी की पूरी। तो ये जो पूरी थप्पी पड़ी हुई है उसका प्राइस फिक्स किया है, लेकिन पर क्विंटल प्राइस फिक्स किया गया है 2000 पर क्विंटल के हिसाब से मैं आपको गेहूं बेचूंगी। तो अब इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। लक्ष्मी हैड टू वेट द वीट इन ऑर्डर टू एसर्टेन द प्राइस ऑफ द एंटायर वीट सोल्ड टू महालक्ष्मी। अब थप्पा का थप्पा पड़ा है वीट का, जब तक इसका वेट नहीं किया जाएगा, इसका वजन नहीं किया जाएगा कितना केजी है ये, तब तक हम इसकी ओवरऑल टोटल प्राइस, एंटायर वेट की टोटल प्राइस हम फाइनल नहीं कर पाएंगे। 2000 पर क्विंटल ये हमने फाइनल किया है, लेकिन कितने क्विंटल है वो जब आप मेजर करेंगे, यानी कि वेट करेंगे, यहाँ पे वजन करेंगे उसका, तब पता चलेगा। तो जब तक इसका
वेट ना हो जाए और ओवरऑल प्राइस फिक्स ना हो जाए तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है. सो द ओनरशिप इन द गुड्स विल पास व्हेन द लक्ष्मी हैज वेट द वीट एंड अ नोटिस ऑफ इट इज गिवन टू द बायर. लक्ष्मी ने क्या करना होगा सर ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, सेलर ने इसका वजन कर लेना है कितना है वीट और उसकी जो ओवरऑल प्राइस है वो बता देनी है बायर को और इसकी इंफॉर्मेशन देनी है. किसे देनी है? बायर को इन्फॉर्म करना है कि भाई भाई ये 100 क्विंटल हुए हैं और आपकी 100 क्विंटल के हिसाब से प्राइस हो जा रही है 2 लाख रुपए, आप मुझे आके दे जाइए, मैं आपको इसकी डिलीवरी दे देता हूँ. तो इस तरीके से व्यवहार हो सकता है.